हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के पश्चात बहुत बड़े दावे किए गए कि हिमाचल की इकोनॉमी को मजबूत करने की दिशा में हम बड़े महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। और आज जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, 6 महीने में ही जो हकीकत है वो सबके सामने आ रही है और उसमें जो किए गए दावे थे उनकी पोल खुलती जा रही है। एक्साइज पॉलिसी के बारे में बहुत ज्यादा बोला गया, विधानसभा के अंदर बोला गया, विधानसभा के बाहर बोला गया, मुख्यमंत्री द्वारा बोला गया, उप मुख्यमंत्री बहुत जोर से बोले और बाकी मंत्री भी फिर उसके बाद बोलना शुरू किए। कहा कि हमने 40% के साथ हिमाचल प्रदेश में एक्साइज पॉलिसी में सफलता हासिल की, एक बहुत बड़ी ग्रोथ जो है उसमें हिमाचल प्रदेश में आई है। अब जब हकीकत हमारे सामने आ रही है, अभी जो आंकड़े आए हमारे एक्साइज डिपार्टमेंट के ही आंकड़े हैं कि फर्स्ट क्वार्टर में जो ग्रोथ आई है एक्साइज में वो लगभग 13% है। और 13% का मतलब है कि लगभग जो पुरानी ग्रोथ थी पूर्व सरकार के दौरान की, उस ग्रोथ के लगभग बराबर है। और ये भी उनको समझना चाहिए कि पूर्व में अगर एक्साइज में ग्रोथ में अगर कोई दिक्कत आई थी, कठिनाई आई थी, 2 वर्ष कोविड का दौर रहा और लगभग 1 साल, लगभग 10 महीने, लगभग साल से थोड़ा कम, 10 महीने तो हमारे पूरे एक्साइज की जो है, जो जितने भी हमारी दुकानें हैं वो बंद रही कोविड के कारण। और उसके बाद भी हमने पिकअप किया, उसके बाद भी हमने ग्रो किया और इनकम को बेहतर करने की दिशा में बड़े ठोस प्रयत्न हुए, उसमें सफलता भी हासिल हुई लक्ष्य के मुताबिक जो तय किया था। लेकिन अभी जिस प्रकार से झूठ बोल करके, गुमराह करके लोगों के सामने इस प्रकार की तस्वीर प्रस्तुत करना कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति को हम ही बेहतर कर सकते हैं, हम ही बेहतर करने की दिशा में आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं, उसमें पोल खुल गई है। और मेरा इस सारे विषय को लेकर के जरूर जितना कहना है कि हकीकत जो है उसको छुपाया मत करो और इस प्रकार से गुमराह करके, झूठ बोल करके प्रदेश नहीं चल सकता है।